अंबेडकर नगर। हत्या आरोपी सिपाही की गिरफ्तारी को लेकर परिजनों का शव के साथ धरना प्रदर्शन। बीती 14 फरवरी को भीती थाना क्षेत्र अंतर्गत इटवा ग्राम सभा के मजरे तेजापुर से सटे ईट भट्टे के पास प्रहलाद सिंह उम्र 48 वर्ष पुत्र हरिवंश सिंह निवासी चिटीपारा का शव सड़क के किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था, जिसको लेकर परिजनों का सीधा आरोप है कि सिपाही प्रत्युत सिंह और रवि नाम के सिपाही ने हत्या की है। पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम के बाद शव के परिजनों को सौंप दिया गया। हत्या के कारणों की जाँच हो रही है। परिजनों ने दो सिपाहियों को नामजद और दो अज्ञात के खिलाफ लिखित तहरीर दी है। मुकदमा भीटी थाने में पंजीकृत कर लिया गया है। परिजनों ने घर पर आकर जिलाधिकारी द्वारा आश्वासन के साथ तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी हो और परिवार को प्रशासन से आर्थिक सहायता की मांग की है। मौके पर भीटी एसडीएम सचिन यादव, सीओ शुभम कुमार, भीटी थाना इंचार्ज पंडित त्रिपाठी समेत भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है। इसमें क्या प्रगति हुई, अभी क्यों लाश रखी हुई, क्या हुआ? इसमें FIR हो गया है और सीओ साहब के स्तर से विवेचना चल रही है और इन लोग का डिमांड था कि इन लोग को आर्थिक मदद और बाकी चीज़ें जो इनकी डिमांड थी, ज्ञापन भी इन्होंने दिया है, उसको हम शासन में पहुंचाएंगे, बात करेंगे और जो भी होगा हर संभव इनको मदद किया जाएगा। नामजद इसमें कांस्टेबल का भी नाम इन्होंने FIR में दिया और कुछ और लोगों को भी है, तो उसमें सीओ साहब उसमें ज़्यादा डिटेल में आपको बता पाएंगे। FIR की कॉपी इन लोग को मिल गई है। देखिए, अभी कल सुबह हमें सूचना मिली थी इस तरह से एक मृतक वहाँ मिले हैं, तो हम जाके तुरंत उनके जो शरीर था, पार्थिव शरीर को हम PM के लिए भेजा था वीडियोग्राफी द्वारा, 3 डॉक्टर के पैनल से जो PM कराया गया है। और शाम फिर हमने परिवार वालों से बात की तो बोले कि हमें सर इन नाम पे FIR चाहिए, तो हमने शाम थाने के आगे FIR लिखा। फिर जैसे ही परिवारजन सुबह आया हमारे पास, उनकी लड़की आई, उनका लड़का आया, दामाद आया, तो उन्होंने जो तहरीर दी उसमें तहरीर में एक कांस्टेबल है और प्रत्युत सिंह नाम का और एक और है, नाम दो लोगों को नामजद किया है, दो लोग अज्ञात नाम का है, तो FIR वो दर्ज होगी थाने पर, तो वही दर्ज होगी, तो कॉपी इनके पास है, बाकी अब जो है उसमें गिरफ्तारी होना है। क्या वजह है? नहीं, अभी वजह ये बता रहे हैं कि इनका एक लड़का है, भतीजा, जो वो आ रहा है दिल्ली से आ रहा है, तो अभी और आधे घंटे में आने वाला है, वो तो उसका इंतजार करता है। PM में क्या मौत की वजह आई? PM में देखिए, जब PM हुआ उसमें तो उसमें एंटीमार्टम इंजरी जो होती है उसी वजह से। क्या जानकारी आपको? जानकारी सर यही हुई है कि पापा हमारे 14 रात को घर से बाहर निकले हुए थे और 9 बजे रात में उनकी कॉल आती है, नहीं हम लोग कॉल करते हैं प्रत्युत सिपाही को और वो बोलते हैं कि आपके पापा नशे में हैं, किसी से गाली गलौज कर रहे हैं और अपना फ़ोन तोड़ के फेंक दिए हैं। पूरी रात हम लोग वेट किए सुबह होते होते कि आएंगे अब आएंगे अब आएंगे, हम लोग ने बहुत वेट किया, लेकिन सुबह किसी ने बताया कि उनकी लाश पड़ी है। और सबसे पहली बात ये है कि उनके पास उनका फ़ोन सेफ था और ये फ़ोन मेरे हाथ में है अभी भी, मेरे पापा का फ़ोन यही था, सेफ था। प्रत्युष ने झूठ बोला और आज भी प्रत्युष का फ़ोन स्विच ऑफ है, अगर वो सही था तो उसने फ़ोन अपना स्विच ऑफ क्यों किया? दूसरी बात रही मांग की, तो मेरे बाप से बढ़ के हमारे लिए कोई मांग नहीं है, लेकिन मेरा बाप जब तक जिंदा रहता, जब तक चलता, जो कुछ भी कर पाता हम लोग के लिए उतना तो हमारे लिए करिए, अगर बाप दे पाते तो बाप भी दे दो। अभी तक बॉडी नहीं उठी है, किस बात का इंतजार है? यही कि हमारे घर पे DM साहब आए। अभी पुलिस का कहना यह है कि आपके परिजन कोई अभी नहीं आए हैं, बाहर से वो आ रहे हैं, इस वजह से बॉडी नहीं उठी। परिजन तो हम गिरफ्तारी की वजह, परिजन एक जन नहीं आएंगे तो उनके ना होने से हम लोग बॉडी सड़ा थोड़ी ना देंगे सर।